छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य में 21 सीटों पर उम्मीदवार घोषित होने को लेकर कहा कि जिन 21 सीटों पर हमें हार का सामना करना पड़ा था उन 21 सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अब उन 21 सीटों के साथ पूरे प्रदेश में कमल खिलेगा। पूर्व मंत्री लीलाराम भोजवानी का निधन कुछ दिनों पहले हो गया था। पूर्व मंत्री को श्रद्धांजलि देने उनके निवास पर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता पहुंचे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि पूर्व मंत्री लीलाराम भोजवानी का जाना हम सबके लिए अपूर्णीय क्षति है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दें। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो वो अपने वादों का हिसाब लेकर आए, जो चुनाव से पहले उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता से किया था। उनके पास छत्तीसगढ़ की जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है। इस बार जनता ने कांग्रेस को विदाई देने का और भाजपा का स्वागत करने का ठान लिया है। लीलाराम भोजवानी जी का निधन भारतीय जनता पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति है। स्वर्गीय लीलाराम भोजवानी जी भारतीय जनता पार्टी के एक आदर्श कार्यकर्ता रहे हैं, एक कर्मठ और अनुशासित कार्यकर्ता रहे हैं। वहीं एक सच्चे जनसेवक के रूप में, एक आदर्श जनप्रतिनिधि के रूप में भी उनकी पहचान रही है। देखिए, आज छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को ठगने का काम, धोखा देने का काम राज्य की कांग्रेस सरकार ने किया है और राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो अपने वायदों का हिसाब लेकर आए, जो चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ की जनता से उन्होंने किया था वो रिपोर्ट कार्ड लेकर आए कि जिनका वायदा उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता से किया था पर उनके पास छत्तीसगढ़ की जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ से राहुल गांधी बैरंग जाएंगे। वहीं पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि लीलाराम भोजवानी प्रदेश की राजनीति के स्तंभ थे। उन्होंने पूरा जीवन सेवा के काम में लगाया। ऐसे व्यक्तित्व का जाना पूरे प्रदेश के लिए क्षति है। वहीं भाजपा नेता धर्मलाल कौशिक ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर केजरीवाल की स्थिति दिल्ली में क्या है, ये किसी से छिपी नहीं है। वो कुछ भी फ्री बांटने का काम नहीं करते बल्कि समाज को बांटने का काम करते हैं। लीलाराम भोजवानी जी एक प्रदेश के राजनीति के स्तंभ थे, बहुत पुराने नेता थे। हमारे साथ में तो 90 में वो पटवारी के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे हैं। एक मिलनसार, एक हसमुख, एक सीधा साधा सरल व्यक्तित्व, और जिनसे गरीब से गरीब आदमी से लेकर अमीर से अमीर लोगों के भी संपर्क होते थे, संबंध होते थे। और उन्होंने पूरा जीवन सेवा के काम में लगाया, पत्रकारिता के काम में लगाया, लेखन के काम में लगाया। एक ऐसे व्यक्तित्व का जाना सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी की क्षति नहीं है, ये पूरे प्रदेश की क्षति है। केजरीवाल जी की स्थिति अब दिल्ली में क्या है, किसी से छुपा हुआ नहीं। और यहाँ जो बांटने की बात कर रहे हैं वो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, धर्म को बांटने का काम कर रहे हैं। और वास्तविक में जो जनता को राहत मिलनी चाहिए अब उस सरकार से उग गई है। दिल्ली में भी सफाइयाँ होगा और छत्तीसगढ़ में क्या अस्तित्व है, चाहे कुछ भी बांटने की बात हो, अपने आप को सब पूरे दांव पे लगा के बिकने की बात करें वो भी छत्तीसगढ़ के लोग उनके झांसे में आने वाला ही है। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. Jahan hai 600 se zyada company tie-ups for placements. Atal Incubation Center for nurturing startups. Industry Academia collaboration for exposure of real industry world. 20 centers of excellence for research. Saathi Global Festival Vishwarang mein shamil hone ka avsar deta hai. Rabindranath Tagore University, unlocking potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।